हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर अनीता स्टडी कॉर्नर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जो कि क्लास नाइन्थ से है। तो उसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसमें रशिया का क्या प्लेस था और रशियन रेवोल्यूशन जो थी वो रशियन एम्पायर का एंड कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, आज इसी को एंड करेंगे। तो देखा गया यहाँ पर कि इस टाइम पर इस वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो था इंडस्ट्रीज़ पर देखने को मिला। रशिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी नंबरिंग जो थी वो बहुत ही कम हो गई थी, क्योंकि अब कंट्री जो थी वो टोटली कट ऑफ हो चुकी थी, क्योंकि अब वो किसी भी तरह के गुड की सप्लाई जो थी वो नहीं दे रही थी। जर्मनी ने, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स थी अब वो किसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जर्मन कंट्रोल में आ चुकी थी, बाल्टिक सी के पास वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, जितने भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे, जितने भी इंडस्ट्रियल टूल्स थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा रही थी, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से कम हो चुकी थी। रशिया बहुत टाइम तक बिजी रहा किस में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था, कैपिटल भी लॉस हो चुका था, उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हुआ था, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था इतना उस टाइम पर। क्योंकि सबसे अगर हम लोग बड़ी बात बोले तो रशिया उस टाइम पर सुपर पावर के नाम से भी जाना जाता था, और रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा सा वीक हो गया, क्योंकि उसके बीच जितने भी नेशंस थे, 14 अदर कंट्रीज़ थी रशिया को मिलाकर अगर बोले तो 15 नेशंस थे, तो उनके बीच में एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन जो था वो देखने को मिल रहा था। 1916 में देखा गया जो रेलवे लाइन स्टार्ट करी गई थी उनको दोबारा से तोड़ना शुरू कर दिया गया। अब देखा गया जितनी भी एबल्ड बॉडी थी किसकी, मैन की, जो लोग काम कर सकते थे वो सब लोग तो वार में बिजी थे, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लेबर की शॉर्टेज आना शुरू हो गई, मतलब कि लेबरर्स की कमी हो गई। जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स लगाने वाले लोग थे जिनसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करा जाता था वो भी बंद हो चुके थे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो उस टाइम पर वॉर में बिजी थी, और बहुत ज़्यादा सप्लाईज जो थी वो ग्रेन की वो भेजी नहीं गई, और मैक्सिमम जो थी वो किसको भेजी जाती थी, आर्मी को, कि आर्मी जो है जो कि बैटल फील्ड में क्या कर रही है, जो फाइट कर रही है, उनके लिए फीडिंग का होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जो थे सिटीज़ में ब्रेड और फ्लोर की स्कैसिटी होना शुरू हो चुकी थी, और मतलब 1916 का जो विंटर सेशन था उसमें देखा गया बहुत ज़्यादा रॉयट्स जो थे वो देखने को मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी, क्योंकि उस टाइम पर ब्रेड शॉप्स पर बहुत ज़्यादा जो मतलब लाइंस लगी होती थी, लाइक हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस को फेस करना पड़ा रशिया को ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।